हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आज आपके लिए मैं एक नया ऑटोमोटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ 2020 लैंड रोवर डिफेंडर के बारे में, जो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर स्पॉटेड हुई है। मतलब इंडिया के अंदर इसका टेस्टिंग चल रहा है और जो ये टेस्टिंग में जो नंबर प्लेट यूज़ की गई है उसके थ्रू में पता चला है कि ये जो लैंड रोवर डिफेंडर है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम पर है और जो ये वेरियंट है वो टू डोर शॉर्ट व्हीलबेस वेरियंट है। और जो ये न्यू लैंड रोवर डिफेंडर है वो बेंगलोर के रोड के ऊपर स्पॉटेड हुई है। और जो लैंड रोवर डिफेंडर प्रोटोटाइप है उसने अभी 1.2 मिलियन किलोमीटर जितना टेस्टिंग उसने कर लिया है और आगे चल कर ये इंडिया में भी स्पॉटेड हुई है। और जो ये न्यू लैंड रोवर डिफेंडर है वो बॉक्सी इंटीरियर स्टाइलिंग और शॉर्ट फ्रंट एंड रियर ओवरहैंग्स के साथ स्पॉटेड हुई है। और जो लैंड रोवर डिफेंडर है वो हमें 3 डोर शॉर्ट व्हीलबेस वर्जन और 5 डोर वर्जन में हमें अवेलेबल हो सकती है। और जो न्यू लैंड रोवर डिफेंडर है उसमें हमें कोई भी स्पेयर व्हील माउंटेड टेलगेट नहीं दिखा है, मतलब ये विदाउट टेलगेट ही स्पॉटेड हुई है। और अगर हम न्यू लैंड रोवर डिफेंडर के अगर इंजन के बारे में बात करें तो ये इंजन हमें 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ स्पॉटेड हुई है और ये हमें ऑल व्हील ड्राइव और डिफरेंशियल लॉक्स और ऑफ रोडिंग हार्डवेयर के साथ स्पॉटेड हुई है। और जो न्यू लैंड रोवर डिफेंडर है और जो ये न्यू लैंड रोवर डिफेंडर है वो ओनली अभी पेट्रोल वेरियंट में ही स्पॉटेड हुई है। और जो लैंड रोवर डिफेंडर है वो इस साल के एंड तक लॉन्च हो जाएगी और इंडिया में भी ये जल्दी लॉन्च होने वाली है, इसलिए इंडिया में इसका टेस्टिंग चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे हर चैनल के आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपके पास जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।